साफ था। शुरू करते। नमो अरहंताडम, नमो सिद्धाडम, नमो आयरियाडम, नमो उवच्छायाडम, नमो लोए सवसाहुडम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्वानाम, वंदे तत्कुणलब्धये, वंदे तत्कुणलब्धये, वंदे तत्कुणलब्धये। हम जैन धर्म को किस दृष्टि से देखें, जिससे इस जैन धर्म को भी वह गौरव प्राप्त हो जो जगत में भी है, अपने सही मूल्य के लिए आका जाए। इस पर हम सभी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, अपनी पूरी मनोचेष्टा से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे जो वीतरागी देव द्वारा अपनी निर्मल दिव्य ध्वनि में प्रस्फुटित हुआ, वह उसी रूप में जैन धर्म हमारी मति में व्यवस्थित हो जाए। हमने शुरुआत करी थी आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा रचित पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ के 75वें श्लोक से। हम सब एक बार उसका हरिगीत पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर है। देखिए, मूल आचार्यों के शब्द तो हमें स्वांतः अपने साथ हृदय में रखने ही पड़ेंगे। ये उन्हीं शब्दों का आज की भाषा में पद्यानुवाद है, आदरणीय अभय ताऊ जी के द्वारा बहुत सुरम्य शैली में किया गया। आप सभी पढ़ेंगे साथ में। जलते वन में अंध पुरुष यदि दौड़े तो भी मर जाता, लंगड़ा देखे जलते वन को किंतु नहीं वह बच पाता। जिसे नहीं श्रद्धान अग्नि का, स्वस्थ पुरुष भी बच न सके। अतः ज्ञान श्रद्धान चरित हो एक साथ तो मुक्ति मिले। इससे हमने कुल मिलाकर तीन मूल सूत्रों का अध्ययन किया। आचार्य उमा स्वामी देव से पूछा गया धर्म क्या है, उन्होंने पहले सूत्र का अवतरण किया। क्या बोला उन्होंने? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्षमा। ये यहाँ पर पद्मनंदी आचार्य देव कह रहे हैं, धर्म को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। क्या खाना, क्या पीना, क्या उड़ना, कैसे बैठना, ये सब गतिगत व्यवस्थाएं हैं। त्रिरंच गति का धर्म वैसा नहीं होगा जैसा मनुष्यों का होगा, यदि आप बाहरी ढांचे को देखोगे। और नारकी का तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाएगा। हाँ, अभी लक्ष्मण, रावण, कृष्ण, ये सब है ना नरक में, सम्यक दृष्टि जीव हैं, लेकिन क्या भी वे हमारे जैसे वहां स्वाध्याय सभाएं लगती होंगी, परस्पर ऐसे ही वे संवाद करते होंगे, तत्व चर्चा करते होंगे, कि वहां की स्थिति अलग है। लेकिन तब भी वहां पर जैन धर्म प्रसारता है कि नहीं प्रसारता, बराबर? तो धर्म इन चीजों से थोड़ी उठकर बात है। धर्म अंतरंग वस्तु है, उसको हमें बाहर का विषय नहीं बनाना चाहिए। तो क्या बोले आचार्य देव धर्म क्या है, कि कॉम्प्लिकेटेड मत करो इसको। बिल्कुल, दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के गुण है, आत्मा धर्मी है, धर्म धर्मी के आश्रित होगा, वह बाह्य वस्तुओं के आधार से नहीं आका जाएगा। तो रत्नत्रय रूप दर्शन ज्ञान चारित्र, ये वास्तविक जैन धर्म की व्याख्याएं हैं, बराबर? यहां तक कोई हमको तकलीफ तो नहीं? हमने पहला सूत्र पढ़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसमें भी हमने, क्योंकि अब हम बहुत देर से आए, भूल कर आए, लेकिन अब हम आ गए माता जिनवाणी की गोद में, तो हमने बोले तो तीन तीन हो गए, हमें थोड़ा शॉर्टकट तो बताओ। तो एक और सूत्र हमारे समक्ष दिया आचार्य कुंद कुंद देव ने, दमसण मूलो धम्मो।
क्या बोले आचार्य कुनकुन देव? दंसन मूलो धम्मो। इन सब में भी जो मूल है वह सम्यक दर्शन है। क्या है? सम्यक दर्शन। यह सम्यक दर्शन जिनागम का संसार को वरदान है, वरदान। लेकिन इसमें तथास्तु नहीं किया जाता, ये ऐसा है जो स्वयं मेहनत करके हस्तगत करना पड़ता है। बराबर, ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन क्या अकेली सम्यक दर्शन पर्याप्त होगा? क्या अकेली अभिप्राय की शुद्धि पर्याप्त होगी? क्या अकेली उस तालाब से उठाकर कुएं तक मछलियों को पहुंचा देने से चिंटू की कर्तव्य सिद्धि हो जाती है? हाँ भैया बता, क्या इतना पर्याप्त है कि नहीं? जिनागम में सबसे पहला पाठ है मिथ्यात्व का निराकरण, लेकिन उसके बाद अविरति को भी हटाना पड़ता है, प्रमाद को भी हटाना पड़ता है, योगों की भी परिशुद्धि होती है, उसके पहले कषायों से लड़ाई करनी पड़ती है। तो ये पांच प्रकार के कर्मों के आने के द्वार बताए। कौन कौन से आप लोग बोलेंगे? मैं एक एक बोलूंगा, आप लोग दोहराइएगा, थोड़ा तेज बोलिएगा। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। पांच ये क्या है? ये कर्म के आने के पांच ये द्वार हैं, संसार के ये पांच द्वार हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। बराबर। तो अकेली दंसन मूलो धम्मो सम्यक दर्शन में यात्रा पूरी नहीं होगी, वहां से तो शुरू होगी। धर्म क्या है वास्तविक? हमने फिर आचार्य कुंदकुन देव की ओर देखा और उन्होंने एक और सूत्र दिया, चारितम खलु धम्मो। क्या बोले आचार्य कुंदकुन देव? आप लोग सब नहीं बोल रहे, मैं बिल्कुल समझता हूं आप लोग बहुत थक गए होंगे, लेकिन ये जो वचन है ना आचार्यों के, यही तो हमारे प्राण है, इनसे ही तो शक्ति मिलेगी हमें जीवन के कठिन क्षणों में। तो इनको तो पूरी ऊर्जा के साथ आपको बोलना पड़ेगा, चारितम खलु धम्मो। बराबर, ठीक है। तो अब थोड़ी सी दुविधा हमको हुई कि अरे हमने रत्नत्रय का प्रयत्न नहीं किया तो क्या किया? देखिए अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, खुद पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी मजा आएगा। आचार्य पद्मनंदी देव का ही यहाँ पर 169 और 70 नंबर की श्लोक है, हम साथ में पढ़ते हैं उसको वापस, बहुत आनंद आएगा। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सरल है, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, नरभव पाकर उत्तम कुल कष्ट साध्य बुद्धि को पा, पूर्वोपार्जित पुण्योदय से चिन शासन की भक्ति पा, किंतु भवो दधितारक सुखदायक जो धर्म नहीं करते, हस्त प्राप्त बहुमूल्य रत्न को ये दुर्बुद्धि खो देते। क्या बोल रहे हैं? देखो चेकलिस्ट बनाई आचार्य पद्मनंदी देव ने, चेकलिस्ट बनाई, आप लोग टिक करना है ना। नर, आप सब मनुष्य हैं, अरे हैं, हम सब आदमी हैं, मनुष्य हैं, टिक हो गया। उत्तम कुल मिला हमको? मिला। अच्छा, हमारी बुद्धि भी थोड़ी बहुत व्यवस्थित है ना। बराबर, घर वालों को ऐसा तो नहीं लगता कि पागल खाने ले जाना पड़ेगा? नहीं, सब बड़ा बढ़िया चल रहा है मामला अपना। तो बुद्धि भी अपनी बढ़िया है, और पूर्वोपार्जित पुण्योदय से हमारे हृदय में जिन शासन की भक्ति भी है। आप सब मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो? कौन से मंदिर जाते हो? जैन मंदिर के किसी भी मंदिर में? इतनी तो बुद्धि है ना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, अरे है कि नहीं? तो देखो इतनी भक्ति भी है हृदय में, पता है कि सही बात है तो यहीं कहीं इर्द गिर्द है। इतना होने पर भी, इतना इधर तक तो सबकी टिक टिक हो गई ना चेकलिस्ट पर, हो गई कि नहीं हो गई? इधर तक तो हम सब बराबर एक ही स्टेज पर खड़े हैं। अब बात जो बिगड़ी वो यहां से बिगड़ी, क्या? किंतु भवो दधि तारक सुखदायक जो धर्म नहीं करते। क्या मतलब? अब भी तो हमने बोला कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, आपने भी बोला क्या? जिन शासन की भक्ति पा, आपने बोला। तो क्या भक्ति करना धर्म नहीं है? क्या मंदिर में आ जाना धर्म नहीं है? आप ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हो कि धर्म नहीं करते? अरे आप लोग धर्म करते हो कि नहीं करते हो? अरे इतना मध्यम स्वर क्यों हो गया? हाँ, करते हो कि नहीं धर्म? कि कौन सा धर्म? भवो दधि तारक सुखदायक। हम कैसा धर्म करते हैं? आप देखो कितना भयंकर
दुनिया कितनी खतरनाक मोड़ पर आज खड़ी है। लोग भगवान का प्रक्षाल भी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि धन मिले उनको। भव से तिरना नहीं है, नया भव चाहिए। ये करेंगे तो ये बन जाएंगे, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। विडंबना समझ में आ रही? धर्म करते हैं लेकिन जिसको धर्म का नाम देते हैं, कल पंडित साहब ने बताया था ना रत्नकरण श्राफ का चार में, धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या करता है? संसार दुख तह सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। अरे जो संसार से निकालकर हमें उत्तम सुख में रखेगा वो धर्म है ना। लेकिन हमने जो धर्म चुना वो तो पुण्य को कमाने वाला हुआ बराबर। तो जो नहीं करते वो क्या है? हस्त प्राप्त बहुमूल्य रत्न को ये दुर्बुद्धि खो देते। देखो अब इसके आगे हमारी एक्सक्यूजेस गिना रहे आचार्य देव, है ना। हजारों वर्ष पहले भी देखो समाज का झगड़ा एक ही था। देखो क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, अभी बहुत दिन जीना मुझको, सभी अंग मेरे मजबूत, लक्ष्मी जी की कृपा बहुत है, फिर क्यों क्यों हूँ व्याकुल, जब वृद्धावस्था आए। इस प्रकार करके चिंतक भैया, आप सबके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है, लेकिन उतनी नहीं है। हाँ प्रयत्न में जारी है। हाँ अभी कितने दिन जीना है अपन को, हम निर्णय तो करें कितने दिन और जीना है। देखो आचार्य देवी हजारों साल पहले भी यही बात बोलता होगा, ऐसी शिविर लगते होंगे और यही बातें निकल कर आती हूँ, क्यों नहीं आते भाई साहब मंदिर? अरे अभी से आएंगे क्या, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, ये कोई उम्र है? और बढ़िया, अभी तो पैसा है घर में, दिक्कत क्या है? हाँ लेकिन क्या बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति मूड है और ग्रास बनता है किसका? यम का। तो अब वापस अपन जिस चर्चा को कर रहे हैं उस पर वापस आए। विश्व पटल पर और हमारे हृदय पटल पर भी जिन धर्म की ऐसी छवि क्यों रह गई बराबर? देखिए थोड़ा आचार्य देव से ही पहले समझते हैं, कितना ज्यादा लूटा गया जैन धर्म को। अपन ये सामान्य चर्चा कर रहे हैं, अपन तो बहुत भाग्यशाली हैं अपन इस क्षेत्र पर आ गए। आपको इसकी बहुत महिमा आएगी जब हम आचार्य पद्मनंदी देव का ये वाला श्लोक पढ़ेंगे। देखिए पढ़ते हैं अगला। अपने को विद्वान मान कर वचनों के आडंबर से, श्रृंगारादि रसों से आन दायक संबोधन करते, जन जन को सन्मार्ग दिखाने वाले नर हैं बहु तेरे, परम तत्व बतलाने वाले बड़ी कठिनता से मिलते। देखो अब ये दुर्भाग्य बता रहे हैं, क्या है जिनागम का ऐसा पतन, हमारी ये हालत हो गई है। ये किस कारण से है कि अरे जिनको जनता सुनती है ना, जो मास वक्ता है, मास लीडर्स हैं, जो जिनागम का एकदम अधिकारी वक्ता वक्तृत्व करते हैं जिनागम के विषयों का, उन्होंने ही क्या कर दिया, उन्होंने ही परम तत्व की चर्चा छोड़कर हम सबको कैसी कैसी बातों में उलझा दिया। आप समझो विशुद्ध तत्व ज्ञान की वार्ताएं धीरे धीरे, ये तो मुमुक्षुओं का अनंत पुण्य है, ये पूज्य गुरुदेव श्री का हम सभी को वरदान है कि इस काल में हम सभी को ये शुद्धात्म तत्व की बातें सुनने को मिल रही। आप बाकी नहीं तो जैनों के किसी गच्छ में, किसी पंथ में चले जाओ, शुद्धात्मा की, रत्नत्रय की, भेद ज्ञान की, सात तत्व छह द्रव्यों की चर्चाएं गायब हो गई बराबर। ये अपना भाग्य क्या हुआ कि अरे परम इतनी सुंदर सुंदर बातें कि भैया क्या करो, हम सबको भ्रूण हत्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बताओ, मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अरे बोलो तो जरा, गायों को काटना चाहिए किसी को? गायों की रक्षा करनी चाहिए ना, करनी चाहिए कि नहीं बराबर? ये वाली बातें तो सबको पता है ना। और आप में से कौन मांस खाता है जो हम आपको बताएं मांस मत खाओ? आप में से कौन भ्रूण हत्याएं करता है जो हम आपसे बोलें कि ये मत करो? ये सारी बातें उन सभाओं में होने लगी जिन सभाओं में कोई करने वाला ही नहीं।
और इन बातों की आड़ में पीछे क्या छुप गया, जो सच में जानने जैसा था, द्रव्य गुण पर्याय जैसा सुंदरतम विषय, क्रमबद्ध पर्याय जैसा जगती का वरदान, ये सब यहां पर क्या हो गया, गायब हो गया। लोग देखो कितना कितना पाखंड फैला, बताओ जिनेंद्र देव के निमित्त से कितने सारे मंत्र निकल कर आ गए, फिर इतने बड़े बड़े जो जिनेंद्र भगवान की निर्दोष आराधना करने वाले मंत्र स्तोत्र थे, भक्तामर स्तोत्र सरीखे, क्या हो गया, एक एक श्लोक जो वीतरागता का संवर्धक होना था, अब वो एक एक पेच इस दस्त जैसे रोगों को ठीक कर रहा है। आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा विडंबना हुई इस बात से, ये कितना बड़ा ये हमारा दुर्भाग्य है। जिनागम जो कि भव का अभाव करने वाला धर्म था, उसको संसार के छोटे छोटे रोग, छोटे छोटे दुखों के परित्राण का हमने एक साधन बना लिया, बराबर। तो क्या बोला, परम तत्व की चर्चा करने वाले लोग कितने हैं, थोड़े, बराबर। अब अपन अपनी चर्चा पर वापस आते हैं, ये परम तत्व क्या है, है ना, बराबर। आप सबसे प्रश्न वापस अपन शुरू करते हैं, मेरे पास थोड़ा सा पानी रखा है और मुझे इस पानी को गर्म करना है, बराबर। आप लोगों के पास कोई उपाय है पानी को गर्म करने का, हाँ बताइए, कौन बताएगा जल्दी से, हाँ कैसे गर्म करेंगे पानी को, गैस पर रख देंगे, गैस बुझ जाएगी भैया, पानी को गैस पर डाल दोगे तो गैस बुझ नहीं जाएगी, अरे पानी को गर्म करना है क्या किया जाए, अरे आप लोग कभी किचन में जाते हो, अरे आप पानी गर्म कैसे किया जाता है पता है थोड़ा, कैसे करते हैं पानी गर्म, हाँ पतीली बर्तन में डालेंगे आप, अब वही प्रक्रिया से सीधे गैस में डाल देंगे तो दिक्कत है भैया है ना, ऐसे गैस खराब हो जाएगा अपना, बराबर। हाँ तो पानी को गैस के ऊपर रखा पतीली में, है ना, और फिर क्या किया, अग्नि को जलाए, ठीक है। यदि मेरे पास अग्नि नहीं है तो कोई उपाय है क्या आपके पास पानी को गर्म करने का, हाँ सोलर, अच्छा सोलर आ गए, आजकल सोलर हीटर्स आ गए, उससे भी हो सकता है, वो भी नहीं है तो इंडक्शन, इंडक्शन भी आजकल बहुत व्यवस्था, वो भी नहीं है थोड़ा, या करेली छोटा गांव है है ना, हाँ क्या किया जाए, धूप में मतलब यदि धूप भी ना निकले रात को गर्म करना है तो कोई उपाय है क्या, हाँ अरे क्या बोल रहे, पानी को रजाई में रख दें तो गर्म होगा कि नहीं होगा, आप हो जाते हो, अरे रजाई, रजाई से गर्म हो जाते हो आप लोग थोड़ा बहुत, अरे आप लोग को रजाई पता है क्या होता है पहले तो, ठीक हाँ, तो पानी की तपेली को रजाई के अंदर रख दें तो गर्म होगा कि नहीं होगा, ये क्या जादू है, आदमी को रखो हो जाएगा, हाँ क्या होगा भैया बताओ थोड़ा मुझे, ये थोड़ा समझाओ ये कैसे जादू चल रहा है ये, हाँ कोई कोई बताएगा, पानी को यदि गर्म करना है तो हम हमेशा किसको ताक रहे हैं, हम हमेशा या तो धूप को देख रहे हैं, अग्नि को देख रहे हैं, बिजली को देख रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार के उपकरण को देख रहे हैं, उसके बिना क्या पानी को गर्म किया जा सकेगा, अरे बोलो किया जा सकेगा क्या, पानी को गर्म नहीं किया जा सकेगा ना, बाकी किसी में ताकत नहीं है ना पानी को गर्म करने की, चलो तो बड़े प्रयत्न से हमने पानी को गर्म कर दिया, ठीक है। अब पानी को ठंडा करना है, अब क्या चाहिए, अरे बोलो कुछ नहीं चाहिए, फ्रिज तो चाहिए ना, क्या चाहिए बेटा, फ्रिज चाहिए, तो बच्चा बोल रहा है फ्रिज चाहिए, फ्रिज बहुत ठंडा होता है बेटा, आपने छुआ कभी फ्रिज को बाहर से, पीछे जाके छूना घर पर करना मत, मतलब ऐसे हाँ फ्रिज ठंडा होता है कि गर्म होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप लोग को भी यही पता है ठंडा होता है, अब अपन फ्रिज तक नहीं जाते, अपन पानी तक ही रुकते हैं, पानी गर्म है खोलता हुआ, इसे ठंडा करना है तो अब क्या किया जाए,
मुझे दो वॉलंटियर चाहिए आप लोगों में से, कोई दो लोग यहाँ पर आएंगे प्लीज, देखिए घबराइएगा नहीं, आई 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 आप आई, बहुत सुंदर, हाँ दो साहसी लोग चाहिए मुझे। अरे एक ही आया, कोई तो आ जाओ। अरे वाह, अरे तीन तीन आ गए, बहुत सुंदर। हाँ ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए भैया, आप लोगों से रोते आता है, कभी रोए आप लोग, रोते आते? रोकर दिखाओ एक बार। अरे रोकर दिखाइए ना, अरे माइक की जरूरत नहीं, आवाज तेज आएगी ऐसे ही। आप जैसी आपकी विधा हो। अब थोड़ा थोड़ा समझ कर, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ, आ, आप बैठ सकते हैं, ये उत्तीर्ण हो गए परीक्षा में। आप इधर, आपसे हंसते आता है, आप हंस कर बैठे, हाँ आप नहीं, अच्छे से हंस के बताइए ना एक बार। आप शर्मा गए, ठीक है कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, जोरदार तालियां पहले दोनों के लिए। सही बताना, जब भैया आए थे वो हंस रहे थे कि हंसने का अभिनय कर रहे थे? अरे वो रो रहे थे। ध्यान नहीं है किसी का, वो रो रहे थे कि रोने का अभिनय कर रहे थे? आप रो रहे थे क्या अभी? तो रोए क्यों नहीं जब रोने का बोला था तो? नहीं, मैंने रोने का बोला था भैया। आप में से कोई रोकर बताएगा क्या, कल सीता जी रो रही थी ना यहां पर, कितनी बार रोई वो? तो कई बार रोई कल। हाँ आपसे रोते आता है, अब रोकर बताओगे क्या अभी? देख कितना खतरनाक है, पानी को यदि गर्म करना हो तो वह बिना कारण के गर्म नहीं किया जा सकता। यदि जीव को भी हंसना हो रोना हो अभिनय किया जा सकता है, लेकिन रोना अकारण कर सकते हो क्या? अरे बोलो, कर सकते हो क्या बिना कारण के? क्या बिना कारण के हंस सकते हो? बराबर। और ये कारण कहां पर है? कारण आपके जेब में रखा है क्या? निकाला और रो लिया, निकाला और हंस गए। ये कारण कहीं अंदर नहीं है, कारण बाहर का है। जैसे अग्नि बाहर की है, धूप बाहर की है, ऐसे ही इस आत्मा के जो विकार है ना, ये विकार आत्मा के नहीं है। पानी की उष्णता पानी की है कि नहीं है, थोड़ा विचार करके बताएं। पानी को गर्म किया, पानी से गर्म किया क्या? किससे गर्म किया? किससे किया गर्म? अग्नि से किया या बिजली से किया या धूप से किया? बराबर। तो ये जो पानी का गर्म होना हुआ, ये कहलाएगा उसका वैभाविक परिणमन। क्या कहलाएगा? क्योंकि ये पानी स्वाधीनता से करता है क्या? नहीं करता। ऐसे ही आप लोगों को नींद आ रही है क्या? अरे किसी को तो आ रही होगी। जिसको आ रही है, आप सोचकर आए थे कि आज प्रवचन में सोएंगे? हाँ, कौन बोला? सोचकर आए थे क्या? तो अपन ऐसा तो नहीं होता ना, घर पर बढ़िया नींद नहीं आती, मंदिर में प्रवचन में चलते हैं, ये वाला प्रयोग तो नहीं करते आप लोग? हाँ, जहां माता की लोरियां फेल हो जाए वहां विद्वानों के प्रवचन काम करते हैं? हाँ ऐसा तो नहीं होता ना? अरे आप लोग बताओ, आप तो अनुभवी हो सब। हाँ हाँ बोल रहे हैं। कुछ बातें बोलने की नहीं होती, अनुभव की होती हैं। हाँ वापस, क्या हम सोचकर, कोई यदि कोई छींकता है तो सोचकर सीखता है, किसी को डर लगता है तो सोचकर, आज डरेंगे, बहुत दिनों से नहीं डरे। हाँ किसी को बुरा लगता है तो क्या वह चाहता है कि मुझे बुरा लगे? आज मूड ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है? क्या हुआ कि इन सब का कारण कोई बाहर का है ना। मैं अपने मन से तो हंस नहीं पाता, अपने मन से रो नहीं पाता, अपने मन से गुस्सा नहीं कर पाता। आप में से गुस्सा करते आता है किसी को? आना इधर पर। कि बिना कारण के क्रोध भी नहीं किया जा सकता। बराबर बराबर। तो क्या पता पड़ा कि जब भी हम किसी कार्य को स्वतंत्रतया नहीं कर सकते, वह कार्य हमारा नहीं होता,
स्वाभाविक नहीं होता, वह कार्य होता है वैभाविक। कैसा होता है वह कार्य? कैसा होता है? बराबर। तो अब पानी गर्म हो गया है, अब इसको ठंडा करना है, अब क्या किया जाए? क्या चाहिए आपको? ऐसे ही आत्मा ने राग किया, क्रोध किया, ये तो अपने हाथ की बात, लेकिन आग लग गई। अब यदि इससे अपन को भार मुक्त होना है तो अब क्या करना, क्या चाहिए? क्या चाहिए कि इसके लिए ये पूरा का पूरा परम तत्व का व्याख्यान आचार्य दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? जिस चैतन्य आत्मा के स्मरण के सामने क्रोध आदि विकार एक क्षण को टिक नहीं पाते, वह शुद्ध आत्मा परम तत्व है। कौन है परम तत्व? शुद्ध आत्मा। कैसा? जिसके स्मरण, जिसके विस्मरण से क्रोधादि उत्पन्न होते हैं और जिसके स्मरण से वे पल भर में विलय को प्राप्त होते हैं, वह शुद्ध आत्मा परम तत्व है। ये बोले आचार्य पद्मनंदी देव। क्या इस जगत में जन जन को सन्मार्ग बताने वाले नर तो कैसे हैं? बहु तेरे, आप किसी चाय की या पान की दुकान पर आप लोग तो खड़े नहीं होते होंगे, लेकिन हो जाइए कभी, वहां पर आपको बिल्कुल सारे एक्सपर्ट्स वहीं पर मिलेंगे, राजनीति के, शेयर मार्केट के, कोई रोग हो गया हो उसके, सब कुछ आपको सन्मार्ग बता, ऐसा कर लो, ये खोल लो, वो कर लो, मिल जाते ना। जगत में उपदेशक सारे उपायों को देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन एक परम तत्व की चर्चा करने वाला इसमें बहुत थोड़े। परम तत्व बतलाने वाले बड़ी कठिनता से मिलते, बाकी जो मिलते हैं वे धर्म की क्या व्याख्या करते हैं आपको पता है? यदि जिनदेव की भक्ति करेंगे तो बहुत पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा तो क्या होगा? अरे बोलो, क्या होगा? अरे यदि कोई अच्छे काम करेगा तो अच्छे काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अरे अच्छे काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? आप लोग थक गए, बहुत थक गए। मैं, मेरी पूरी संवेदनाएं आप लोगों के साथ हैं। मैं बिल्कुल, मेरे को कोई शिकायत नहीं, आप लोग थक गए हो तो मैं देख रहा हूं सुबह से जिस प्रकार से आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, दो तीन दिन तो चलता है। हाँ बराबर, नहीं घबराने वाली बात नहीं, थकान होना स्वाभाविक है, लेकिन अपन वो थकान भी तो वो पराधीन कार्य है ना, हम शरीर के पिंजरे में बंधे हैं। आप लोग को गर्मी लग रही कि नहीं लग रही? यही अज्ञान है। क्या विडंबना ही ये है, हम पिंजरे में बैठे हैं, स्पर्श नाम के गुण को गर्मी लागू पड़ेगी। बराबर, कितने स्पर्श नाम के गुण की पर्याय होती है, कुछ कितनी होती है आपको पता है? हाँ बत, हाँ कौन कौन सी? अपन लोग को पता है? अरे तालियां बजा दे लोगों की। तो ये ठंडा गरम है ना, ये गर्मी लग रही है, किसका गुण है ये? हाँ, और ये बाजू में फालतू में कौन उबला जा रहा है? हाँ ये अज्ञान। क्या ये अपन बात कर, अपन ने क्रिया परिणाम अभिप्राय से बात शुरू करी ना। बराबर, मैंने आपसे सीधी बात पूछी, अच्छा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलो। एक प्रश्न पूछो, देखो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है ना? सुना, वहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, वहाँ पर माइकल सिडेल, उन्होंने एक जस्टिस पढ़ाते हैं वहाँ पर, उन्होंने एक ट्रॉली प्रॉब्लम दी। आप लोग के सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ, थोड़ा आप लोग अपनी नींद को खोल कर विचार करके बताना। मान लो एक रेलवे ट्रैक पर ट्रेन जा रही है, उसके ब्रेक फेल हो गए, थोड़ी ही दूर मतलब 200 मीटर पर 5 वर्कर काम कर रहे हैं और उनको नहीं पता ट्रेन आ रही है ना, और बस एक मिनट में ट्रेन उनके ऊपर जाने वाली है। ठीक है, आप यहाँ रास्ते पर खड़े हो और आप जहाँ खड़े हो ना, आप देख रहे हो ट्रेन चली जा रही है, सामने लोग हैं, ट्रेन तो स्लो ही नहीं हो रही, और आप घबरा गए कि हो क्या रहा है। जहाँ आप खड़े हो वहीं पर एक लीवर है ना, और ट्रेन का वहीं पर डाइवर्जन का ट्रैक है, और यहाँ जहाँ ट्रैक है ना, ये अबेंडेंड ट्रैक है, ये रुका, ये वाला रास्ता कोई प्रयोग में नहीं करता, और इसलिए यहाँ पर एक बच्चा रोज खेलने आ जाता है अपनी फुटबॉल लेकर, तो वो खेल रहा है। बराबर, आप देख रहे हो ट्रेन भाग रही है और 2 मिनट के अंदर 5 लोगों को मार देगी,
और आपको बाजू में लीवर दिख गया है कि आप थोड़ा सा सरकाओगे ना तो 5 बच जाएंगे, 1 जाएगा, क्या करोगे आप? अरे समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ। इतने इतने डरावने चेहरे क्यों बना लिए आप लोगों ने? क्या करोगे, क्या करोगे? अरे भैया माइक को, इसमें करंट आ रहा है ना, माइक माइक। हाँ कौन दे रहा है इसका उत्तर, क्या करना चाहिए? अरे आप लोग देखो अकेले अकेले तो घबराओगे। आप में से कितने लोग हैं जो उस लीवर को मोड़ देंगे 5 को बचाने के लिए, 1 की कुर्बानी दे देंगे? हाथ उठाओ। अरे आप लोग घबरा क्यों रहे हो? प्रश्न पहले समझा कि नहीं समझा? ये जिनागम ऐसी हंसी खेल की चीज नहीं है, इसको सच में समझना पड़ेगा हमको। हाँ बताओ भैया थोड़ा आराम से। हाँ मैं वापस पूछूं क्या प्रश्न? आप लोग को धीरे समझ में आता है? उनके लिए बोल रहे हो, अपना अपना देखो भाई। हाँ हाँ कौन, हाँ कौन उत्तर दे रहा है? क्या करेंगे आप? लीवर को घुमा दोगे, वो बेचारे बच्चे को मार दोगे? रिश्तेदार लगते हैं तो आपका बच्चा वहां पर, तो देखो ऐसे एक एक से तो समय लग जाएगा, वोटिंग कर लेते हैं। कितने लोग लीवर घुमाएंगे 5 को बचाने के लिए, 1 की कुर्बानी कौन देगा? अरे हाथ उठाओ। अरे कितना डर डर, कितने डर डर के क्यों बैठे हो आप लोग आज? भैया पीछे दर्शक दीर्घा में। हाँ 1, 2, 3, 4, 5। मैं सरल पूछ लेता हूं, कितने लोग लीवर को हाथ भी नहीं लगाएंगे, सीधे जाने देंगे 5 को? कुछ लोगों ने हाथ उठाए, फिर आजू बाजू देखा, फिर नीचे कर लिया। बोलो भैया। हाँ हाँ आप नहीं मोड़ेंगे लीवर को? हाँ इनको माइक पहुंचाइए, क्यों? सबसे पीछे जवाब देंगे ना आप, मतलब फंस तो नहीं गए हाथ उठाकर? अरे बाकी लोग सोचो सोचो सोचो, क्या करोगे होगे तो? हाँ अच्छा देखिए, समय नहीं है अपने पास और अपन को विषय समेटना है। बहुत सुंदर, आप तेजी बोल दीजिए अब, ठीक है अब जो होगा सो। हाँ सही बैठा हुआ, क्योंकि उसको तो पता है वहां ट्रेन आती नहीं। अरे 5 वालों को रेलवे नहीं ट्रैक सही करने भेजा है भाई साहब? अरे जल्दी। हाँ पीछे पीछे माइक दीजिए पीछे। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे आपस में विचार करते और कथा नहीं करते सर। वो ट्रेन उसके ट्रैक पे सही जा रही है, यदि अपन उसका ट्रैक चेंज करते हैं तो आगे और बड़ी हादसा हो सकती है, कहीं दूसरी ट्रेन से टकरा जाए, कुछ भी हो सकता है। नहीं मान लो नहीं होगा, लेकिन बच्चा अभी तक तो संभावना यही होती है। अपनी कहानी है, नहीं होगा कुछ। तो बात है, जब ख्याल में ही बनाना है तो अपनी अपनी कंडीशंस रहेंगे ना कहानी में तो। हाँ अपन कुछ नहीं करेंगे, कर्तावाद हो करेंगे, वो अपनी आयु कर्म से अपने आप जो होना होगा हो गया। बहुत सुंदर, आपने नुक्कड़ नाटक बहुत गंभीरता से देखा आज। हाँ उनकी आयु कर्म के आधार पे छोड़ दोगे आप? आप अपनी आंखों के सामने 5 लोग जिनको बचा, आपको रात को नींद कैसे आएगी? आ जाएगी। हाँ बच्चा हाँ, और लीवर दोनों पास पास में अगर है क्या? अरे देख दो ट्रैक अलग अलग हो गए हैं। हाँ समझ गया, बताइए। अगर पास में हो तो लीवर बच्चे की तरफ करके बच्चे को वहां से उठा लेना है, क्योंकि मैं 5 को हटा कर। कहानी अपनी है। वो सुविधा नहीं है ना अपन के पास, सुपरमैन वाली ताकत है कुछ नहीं है अपने पास।
या भैया महिला शक्ति, हाँ मातृशक्ति, सॉरी हाँ कौन बता रहे, मई यहाँ तक भी पहुँचाइए। बच्चा फुटबॉल खेल रहा था तो उसकी बॉल को कहीं और डायरेक्शन में ऐसा फिकेंगे, तो हम लीवर छोड़ के फुटबॉल लेने जाए पहले, फिर उसका लीवर को घुमा देंगे और वो चला जाए। वाह मेरी है ना, उनकी थोड़ी है। चलो 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 सो अपन समय नहीं खराब करेंगे इस पर और बराबर। हाँ अच्छा एक और उत्तर आया है, कुछ नया निकला है यहाँ पर। हाँ ऐसा करेंगे हाँ। कि हम लीवर को ना घुमा के ट्रेन का अगर हॉर्न बजा दे तो जो 5 वर्कर्स होंगे वो हॉर्न सुन के अलग हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब प्लान ये है कि हमको एकदम ट्रेन आ रही है वो 100 की स्पीड पर, हमको ऐसे एंगल मिला के छलांग मारना है, सीधे इंजन में घुसे अपन और वहां जाके हॉर्न बजाना है अपन को। तो वो ड्राइवर खड़ा है ना ट्रेन में, नहीं बजा पा रहा बेचारा। हमें कुछ नहीं करना है, वो जो ट्रेन का ड्राइवर है वही ऐसा नहीं कर रहा ना देवी जी। आप 2 मिनट अपन वोटिंग करते हैं जल्दी से, एकदम शुद्ध वोटिंग है, कितने लोग 5 को बचाकर 1 को मारेंगे, हाथ उठाइए। 5 को बचाकर 1 को, लीवर घुमाने वाले बराबर। भैया ये देखो सही परिस्थिति देखो, आप भूल जाओ कि आप अभी जैन मंदिर में बैठे और आपको अच्छी अच्छी बातें करनी है, ठीक है। आप जो करोगे वो बताओ, आपका चरित्र निकल कर बाहर आना चाहिए। हम थोड़ा विचार कर रहे हो और आप लोग जब विचारशील होते हो तब सबसे सुंदर दिखते हो, मैं यहाँ देख कर बता रहा हूँ। वैसे सुंदर दिखते रहो और बताओ आप में से कितने लोग हैं जो लीवर को डाइवर्ट करके 5 लोगों को बचाओगे और 1 को जाने दोगे। हाँ कॉन्फिडेंस से कुछ हाथ उठ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है बराबर। बहुत सुंदर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो गणित लगा रहे हैं, है ना। हाँ ऐसे कितने लोग हैं जो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर ऐसे बस खड़े रहेंगे, जो नहीं ले उसको खींचेंगे। हाँ हाँ ये लोग पीछे से भजन गाएंगे, जो जो देखी वीत रागन सो सो हो सी वीरा, ऐसा करोगे। तो बताओ ना भैया कितने लोग हैं जो लीवर को नहीं चलाएंगे। अपना समय हो जाएगा, विषय रह जाएगा। देखो आप लोग का देखो, इसको बदल देता हूँ, थोड़ा बदल देता हूँ थोड़ा। अब भूल जाओ कि यहाँ पर लीवर है, स्टोरी बदल रही है भैया, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं अपन ये समझना चाह रहे हैं चैतन्य तत्व का, जिनागम को जो वरदान, जिनागम का दिया हुआ वरदान है, जगत कैसे किन किन मान्यताओं में उलझ कर रह जाता है और मूल तत्व पीछे छूट जाता है। वापस सेम सिद्धांत रहेगा, ठीक है। अब ट्रेन जा रही है और आप ऊपर पुल पर खड़े हैं और वापस वही 5 लोग हैं, ठीक है, और आपको नहीं दिख रहा कुछ भी और ट्रेन भागी जा रही है। आपके बाजू में एक बढ़िया मोटा आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक काम हो सकता है उन 5 को बचाने का, कि आप इस मोटे आदमी को धक्का दे दो, ये ट्रैक पर गिरेगा और वो 5 आदमी बच जाएंगे। आप में से कौन कौन धक्का देगा, बहुत खतरनाक है ये लीगल जस्टिस, जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, उसका यूनिवर्सिटीज में इसका पार्ट होता है। क्या करोगे आप, कोई धक्का देने को तैयार होगा? जिन्होंने लीवर खींचने पर हाथ उठाया था, बात तो वही है, 5 को बचा लो 1 को मारकर, है ना। तो धक्का दोगे आप लोग के नहीं दोगे, बोलो। अरे कोई तो होगा यहां पर, 1 को मारकर 5 को बचाने वाला कोई है? अभी तो तैयार हो गए थे आप लोग मारने को 1 को। क्या अंतर पड़ा इन दोनों परिस्थितियों में, कौन बताएगा? आप बताएंगे, माइक पहुंचाइए पीछे जल्दी, कौन बताए? देखो देखो हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बताइए जल्दी। फर्स्ट में ऐसा था कि अगर लीवर खींच लिया और 1 की तरफ मुड़ गया, बाय चांस ट्रेन रुक भी सकती है, बाय चांस। सेकंड में ऐसा है कि मैं खुद उसको धक्का दे रहा हूँ तो उसका तो मरना, लीवर कोई और खींच रहा था? नहीं नहीं मैं लीवर खींच रहा हूँ, लेकिन आदमी को नहीं खींच रहा था। नहीं आदमी को नहीं। तो फर्स्ट में ऐसा है कि प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। सेकंड में ऐसा है कि मैं खुद उसे धक्का दूंगा तो उसका मरना कन्फर्म है।
उसमें बच्चे का मरना यदि कंफर्म हो तो भी आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? पांच बच रहे थे तो इसमें भी तो पांच बच रहे हैं ना, इसका तो नहीं दूंगा। क्यों? वही तो, यदि गणित आपका प्रिंसिपल तो सेम है ना, फाइव एट द कॉस्ट ऑफ वन, दोनों सिचुएशन में सेम है, लेकिन दोनों में आपका थोड़ा थोड़ा विचार अलग होता जा रहा है। हो रहा है सबका? अलग हो रहा है थोड़ा थोड़ा? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम दुनिया को जैसे समझते हैं दुनिया वैसी नहीं है, ये छह द्रव्यों से बनी दुनिया हमारे मन के हिसाब से काम नहीं करती है। हम समझते इसको बचा लेंगे, इसको मार लेंगे और राजा बन जाएंगे दुनिया के, ऐसा है नहीं इस दिन। हाँ भैया बताओ। पहले बचाने का अभिप्राय था और अब मारने का अभिप्राय? अरे अभी भी बचाने का ही है मेरे भैया। तो अभी तो कार्य जो हो रहा है वो तो एक को मारने के लिए हो रहा है ना। पहले क्या हो रहा था? पहले हम दोनों चीजों में से किसी एक, दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को बचा रहे थे, दो पॉइंट्स थे तो हम एक को बचा रहे थे। तो अभी भी तो हम उन पांच को बचा ही रहे हैं ना, प्रॉब्लम इज सेम। अरे दोनों प्रॉब्लम में अंतर है क्या? है कि नहीं? अरे कोई बताएगा? शाश्वत बालाओं में से कोई बताएंगे? कोई कोई इसका समाधान देंगे क्या? कोई कोई बोलेगा? आप लोग पहले विचार कर रहे हो कि बस ब्लैंक बैठे हो, क्या चल रहा है? हाँ बताइए बताइए बताइए, बस अपन दो मिनट में पूरा करेंगे फिर बात को पूरा। वो डायरेक्ट जो इंसान को धक्का मारेंगे वो प्रत्यक्ष मर्डर हो गया, उसको क्या प्रत्यक्ष मर्डर कर रहे हैं अपन। और लीवर खींचने वाला वो अपने डायरेक्ट मर्डर नहीं, वो परोक्ष मर्डर कहलाएगा। सही मतलब यदि कोई, यदि आप सच में ईमानदारी से बैठिए, यदि इस पूरी की पूरी परिस्थिति को हम आंकें तो सुंदर उपाय है क्या, क्या किया जाना चाहिए दोनों ही परिस्थितियों में? सब सब एकदम शून्य है ना? हाँ क्या? हाँ बताइए बताइए प्लीज। फर्स्ट कंडीशन में ये था कि हम पांच को बचाना चाहते हैं और जो बच्चा था उसको भी हम बचाना चाहते हैं लेकिन नहीं बचा पा रहे हैं। और सेकंड में ये है कि उन पांच को तो बचाना चाह रहे हैं और एक को हम जानबूझ फेंक रहे हैं। देखो आप अपने मन को समझाने के लिए कुछ भी बोलो है ना, लेकिन बात तो यही है। देखो ऐसी ही है दुनिया, आप समझना, बहुत खतरनाक है। आपको क्या लगता है मांसाहारी अच्छा होता है कि शाकाहारी? एक पांच को मारता है, एक एक को मारता है। नहीं समझ में आ रही बात? आप जैनी शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी होते हैं? यही तो जैन धर्म को ले डूब रहे हैं हम। नहीं आ रही बात समझ में आपको? बहुत खतरनाक है भैया जिन धर्म, बहुत खतरनाक, बहुत सुंदर है। क्या शाकाहारी होते हैं हम? हाँ हमने पांच स्थावर जीवों में वनस्पति काय को स्थापित किया कि नहीं किया? तो क्या वनस्पति को खाना जीवन का कर्तव्य है कि कलंक है? और हम प्राउड प्राउड टू बी वेजिटेरियन, आप लोग प्राउड वेजिटेरियन है कि नहीं है? बोलो तो भैया थोड़ा। आपको समझ में आ रहा है पर्सपेक्टिव कितना डिफरेंट है? सुंदर तो क्या है? सुंदर तो अनाहारी रहना है ना। सुंदर तो वो जीवन है ना जहां एक भी हिंसा का प्रत्यक्ष वेत्ता नहीं बनना पड़े, सौंदर्य तो उसमें है ना। लेकिन हमने अपनी छोटी सी दुनिया में छोटी छोटी परिभाषाएं बना ली। हमें पांच वर्सेस एक को बचाने का गणित समझ में आता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम उस रेलवे ट्रैक पे खड़े ही क्यों हैं, हमें लीवर खींचना ही क्यों पड़ रहा है। डू वी बिलोंग हियर? क्या हमें यहां होना चाहिए? महावीर भगवान तो यहां नहीं है, आदिनाथ भगवान तो यहां नहीं है, उनके केवल ज्ञान में सारी परिस्थितियां हैं, वो किसी को बचाने नहीं आते। आते हैं तो क्या बचाने वाले जैनी होते हैं? जब बचाने वाले नहीं होते तो मारने वाले तो होंगे भी नहीं। अरे ना मारने वाला ना बचाने वाला, जानने वाला जैनी होता है। कौन होता है जैनी? क्या ये जानने वालों का धर्म है? केवल ज्ञानी भगवान, उनकी वीतराग सर्वज्ञता वह सर्वथा सदैव पूजनीय है। हम जब उस वीतराग विज्ञानता को आदर्श बनाएंगे तभी हम सही मायनों में जैन बनेंगे। हमें यही छोटे छोटे से हमारे विशेषण अच्छे लगते रहेंगे। हमें
अच्छा है छाती चौड़ी करके दुनिया को बताने को अच्छा लगता है, लेकिन हम स्वयं ही अपने उद्देश्यों से प्रयोजन से भटकते जाएंगे। हम सभी सही मायनों में थोड़ा विचार करें, क्रिया का कोई मूल नहीं है, आप थोड़ा इस थोड़ी जस्टिस की प्रॉब्लम पर विचार करना, और हम क्या करते हैं सत्कार्य और क्या असत्कार्य, परिणाम और अभिप्राय से हमारे जीवन की सफलता बनती है। हम सभी का जीवन सुंदर बने, जैन धर्म के प्रचार में, प्रसार में और आत्मसात करने में हमारा जीवन सफल हो, इसी मंगल भावना से।